आहो दर्शन जोरी के बाबू जी बाबू कुछ पल के लिए साइड में खड़े हो जाओ। महामंत्री, अरे मैंने जैसा सोचा वैसा तूने करके दिखाया। हाँ महाराज, जैसा मैंने छोटी बेटी चमेली के लिए बार खोजने के लिए तुम्हें कहा वैसा तूने ढूंढ कर लाया। लेकिन महामंत्री, बेटी चमेली को विदाई होने से पहले एक बार चंपा को मेरे चरणों में उपस्थित किया जाए। छोटी बहन के शादी भेले नहीं भेंट मुलाकात करते यो, तब बोलबे छिए लोने छ। ठीक है, तुम इसी समय जाओ। अरे देरी ना हो, आ लगे मारे बुरा चंपा किसका रे? हाँ, इसका तो दिन बिल्कुल पूर रहा है। सब लिखा गया। चंपा, जब मैं तुम्हारे सूरत को देखता हूँ तो मुझे हंसी आता है। कौन मरेगा रे? चंपा 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 तो मरवे करेगा। पिताश्री, इस समय मुझे बुलाने का क्या मकसद? हाँ चंपा, इस समय तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाए शायद तुम्हें मालूम नहीं। चंपा चंपा, सबसे पहले तुम यह बताओ इस महल में शादी का योग्य कौन है? ये बात अपने पुत्री से पूछ रहे हैं जो अपने पिता से नहीं कह सकती। चंपा, इस महल में शादी का योग्य तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे जगह अपने पिता को अपमान करने का प्रतिफल देखू मैं क्या क्या नहीं किया। मैं तुम्हारे जगह छोटी बेटी चमेली को शादी कर चुका हूं। चल नजर फार फार कर देख, मैं छोटी बेटी चमेली को कितना सुंदर वर ढूंढ कर लाया। अरे बेटी, ये वर क्या, ये वर क्या? अगर तुम इस वक्त भी मुझे कहीं भाग विधाता मान लिया बेटी, मैं इसे लाख गुना ज्यादा सुंदर वर करके दिखाऊंगा। हाँ बेटी, लेकिन एक बार तो मुझे भाग विधाता मान लो बेटी, इससे कई गुना सुंदर वर तुम्हें ढूंढ कर शादी जाऊंगा। चल बोल। पिताश्री, शादी विवाह और मृत्यु तो अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं पिताश्री। आज मैं बेहद खुश हूँ
जो मुझसे पहले छोटी बहन चमेली की विवाह हुई। पिताश्री, मैं विवाह से खुश हूँ, परंतु आपके बाणी से मैं खुश नहीं। शट अप! तो यदि तक तुम हार मन में जो येट है वो येट नहीं छूटता है। अरे चूना जल जाता है लेकिन चूना का येट नहीं छूटता है, वही है तुम वे हराम जादी। यभी मैं तुम्हें रंग दिखाता हूं मैं अपना, यभी मैं तुम्हें रंग दिखाता हूं। लौंडे बात गुंडे बात छिनर बात और क्या हुआ? देखो बेटी जमाई का द्वार पर बैठा देला छे, आई ई गुंडे बात छिनर बात मारपीट करे छे। हां इज्जतदार नहीं आप, मैं गुंडे बात हूं। शट अप! विदा कर दो तो मारपीट करते रहियो, ये लौंडे बाद हमरो को साथ चढ़ाए दीजिए। तो ठीक है बेटी चमेली को यहां से विदाई कर दो। देखो बहन, इतना दर्द तुम कब तक सहेगी? सिर्फ एक बार अपने पिताजी को भाग बताता मान लो बहन। चमेली, मैं पिताश्री को भाग बताता नहीं कह सकती। चमेली चमेली, तुम इस बातों में मत आओ, इस बातों में तुम्हें कोई फायदा नहीं। इस समय तुम्हारे विवाह हो चुके हैं, तुम इस वक्त अपने मायके से ससुराल को जा रही हो, और बड़ों का जो धर्म है घर में तुझे हालो घर में बाबू से विनती है, रात भर में एक बार गर्म पानी ने कम से कम ठंडा पानी भी दिलवा दीजिए। कलाकार देखिए कैसे हो रहा है, प्यास से व्याकुल हो रहा है, एक बार चाय पिला दीजिए बाबू। अब मैं अपने हेलो बहन चमेली, नैहर से ससुराल को जा रही हूँ, वहाँ जाकर अपने सास ससुर की सेवा करना और पति की आज्ञा अनुकूल ही चलना, यही हम जैसे नारियों का धर्म और कर्तव्य होती है। ठीक है बहन। बेटी चमेली, यह दुनिया का परंपरा है बेटी, कोई भी बेटी अपने पिता के घर नहीं रह सकते हैं, इसलिए बेटी तुम दुल्हा बाबू के साथ जाओ, अपने पति की आज्ञा अनुसार अपनी ससुराल में चलना बेटी। ठीक है बेटी, यहां से दोनों प्राणी विदाई हो चुकी हो, हंसी खुशी से जाओ। ठीक है पिताश्री।